आप सभी का एक बार फिर से सिटी वैप पर स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। 2000 लोगों ने उठाया निगम की फ्री वाईफाई सुविधा का लाभ। नगर निगम द्वारा शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर शुरू की गई फ्री वाईफाई सुविधा का करीब 2000 लोग लाभ उठा चुके हैं। नगर निगम द्वारा ये सुविधा दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट, नगर निगम परिसर, जिला अस्पताल के अतिरिक्त रोडवेज, बस स्टैंड, अग्रसेन चौराहे पर शुरू की गई। नगरायुक्त ने बताया कि अब तक निगम द्वारा दी जा रही सुविधा का लगभग 2000 लोग लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जनता के फीडबैक पर शहर के कुछ अन्य प्रमुख स्थानों पर ये सुविधा निकट भविष्य में शुरू की जा सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंगो सीओ रिजवान अहमद ने किया औचक निरीक्षण। कोतवाली तीतरों में देर शाम पहुंचे सीओ रिजवान अहमद ने उप निरीक्षकों की बैठक ली। इसके बाद अभिलेखों की गहनता से जांच पड़ताल की गई और खामियों पर जमकर डांट फटकार भी लगाई गई। आपको बता दें कि इस दौरान अर्दली रूम लंबित विवेचनाओं को निर्धारित समय से निस्तारण करने के आदेश दिए गए। शीतकालीन होने के कारण नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन करने की दी धमकी। डीजेएस से नेपाल सिंह हत्याकांड के आरोपी भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने के निर्देश तीतरो पुलिस को देने की मांग पीड़ित परिवार ने की है। कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने गांव से पलायन करने की धमकी दी है। उल्लेखनीय है कि 3 नवंबर को गांव के दबंग और भाजपा नेता चौधरी सत्यपाल ठाट सिंह और धीर सिंह ने षड्यंत्र के तहत नेपाल सिंह की हत्या करने का आरोप उसके पुत्र अंकुर चौधरी ने लगाया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं दर्ज कर आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज किया गया था, तीनों को आरोपी बनाया था। पुलिस ने धारा सिंह को पकड़कर जेल भेज दे, लेकिन भाजपा के दोनों भाई अभी भी फरार चल रहे हैं। जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं स्कूली बच्चे, स्थानीय प्रशासन बेखबर। जनपद सहारनपुर के बेहट क्षेत्र के किसी भी स्कूल में यदि आपका बच्चा स्कूल से घर पहुंचने के लिए प्राइवेट बस या अन्य किसी वाहन का उपयोग करता है तो सचेत हो जाइए। कारण शहर में इन दिनों बेहट क्षेत्र में प्राइवेट बस संचालकों द्वारा वाहनों को ओवरलोडिंग कर यात्रियों को परिवहन कराया जा रहा है। विडंबना यह है कि स्कूली बच्चों द्वारा भी अपनी जान माल की परवाह किए बिना प्राइवेट बस की बाहरी ओर लड़क कर सफर कराया जा रहा है। परेशान करने वाली बात यह है कि ये दृश्य बेहट क्षेत्र के थाना कोतवाली से 100 मीटर की दूरी पर के प्रमुख चौराहों पर देखना आम बात है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। छात्र 20 नवंबर तक प्रवेश लेकर भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा के आवेदन। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश से वंचित छात्राओं के लिए एक और मौका दिया है। परिषद ने इन छात्रों के लिए प्रवेश के साथ ही आवेदन और पंजीकरण कराने की तिथि बढ़ा दी है। 20 नवंबर तक का मौका ऐसे छात्रों को दिया गया है। एडवोकेट नईम अहमद के प्रयास से सरकार से पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा। अम्बेटा सहारनपुर कस्बे के मोहल्ला गुआ निवासी अरविंद कुमार का गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया गया था। हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ इलाज कराया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ बसपा नेता एडवोकेट नईम अहमद नगर पंचायत सभा सदपति डॉक्टर बीरेंद्र पाल के प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया गया। एडवोकेट नईम अहमद व डॉक्टर बीरेंद्र पाल ने कहा कि कस्बे के हर जरूरतमंद की मदद करना उनका लक्ष्य है, मदद करने का अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को सहारनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना सरसावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों आरिफ पुत्र गालिब, सावेज पुत्र वहीद पुलिस मुठभेड़ के बाद कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस व 1 हीरो होंडा मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैप को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा।